मार्चे हमें प्रोग्राम बंद कर आज छब्बीस अक्टूबर 25 अक्टूबर बा लगभग 10 महीना हमने के प्रोग्राम छूटला हो गई बा। आज ग्राम में पहुंचे खातिर विजय भाई के बाजू से आशो की सेवा में यार फरमाइश पड़ी हो मोटरसाइकिल की आवाज जाए करे ले तरह तरह की आवाज हमारा कैसे दे मात्रों से आप सब सुन ले जा पसंद करे ले जा। हाँ हाँ कि आप सब के दुआ और आशीर्वाद का मोटरसाइकिल ठंडी में खड़ी रहती है की मारते मारते पसीने पसीने छूट जाते हैं पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता है जर्की है गौची है भार पड़ता है मोटरसाइकिल पर उसकी आवाज कैसे निकलता है जीटी रोड मिल जाता है तो उसकी आवाज कैसे निकलता है। हाँ खास करके नए मोटरसाइकिल चालक किस अंदाज में गाड़ी को हाँकते हैं और की कैसे मारते हैं आप सब गौर करेंगे कि मारते हैं पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता है उसकी आवाज कैसे निकलता है। लगता है ब्लॉक में कार्बन पकड़ लिया है इस बार मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट होती है जिस ब्लॉक को साफ करते हैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई पीछे तीन सवारी बैठे हैं फाड़ पड़ता है मोटरसाइकिल पर जर्किंग है गौची है उसके बाद श्रीमान कैसे निकलता है आप सब गौर करेंगे। उसके बाद श्रीमान कैसे निकलता है आप सब गौर करेंगे। खड़ा करके चला जाता है लेकिन एक और जब आते समय को चाचा जी पटेली यह सब भाई जी पर्चे दली यहाँ के सब दस महीना पर बहाली बनता है हमारा छोटे भाई के तरफ से चांद बिजली तारा रेखा बरखा गीता पारो जितना भी कैसे में सच मरम जा लकी शर्मा श्री रघुमान शर्मा हमार नाम बाबूला शर्मा। हाँ हाँ ये तैयार को कमेडियन हमने के यूट्यूब के माध्यम से आप सब में सेवा कर लिया लेकिन कहे के बात नहीं आई ना कहे महाराज और एक तो पूछा था कि कारम जी काबू कर ली कर इन लोगों की बातों पर आप कभी आप एतबार न करें। ब्यास जी को फिर से गाओ तो नहीं कौन लेगा सरवाय नहीं क्या मौसा को नहीं कर लो तुम पैगाम दे के आओ थे ना जाने कौन ले रहा जी मिल जाता इन लोगों की बातों पर आप कभी एतबार न करें भूल करके ऐसे नारी से प्यार न करें ऐसे नारी सब नारी को नहीं कहते हैं इनकी बातों पर कभी आप एतबार एसी और डीसी ये दोनों है इनसे कोई हट हट के मरता है तो कोई सट सट के मरता है। इन
इनसे कोई हट हट के मरता है तो कोई सट सट के मरता है, कोई माजनू की दामन की तरफ हट हट के मरता है। अरे मरना यह है तो मर गया इस वतन के लिए, क्यों जान देते हैं ऐसे एक दुल्हन के लिए। अगर हसीनों को गलियों में अगर मारा जाओगे कोई चांदा ना देगा तुझे कफन के लिए, कफन के लिए। देखो ट्रेन में इसने मैडम जी से भेंट हो गई, बिलाई के एगो जाने एगो गांव घर में हाला ही में इहेनियर यो कोनिया रे है बेचारे उतर के अगा में को कुछ हगरा बुढ़िया रहे बोले पतो इहा करना हरी तो दूसर कोई रहे जा जाए बिलाई रोज दूध पी जाए। अब बुढ़िया के गांव के पड़ता लड़ा के झगड़ा ही कर तो की पतो ये सब करक्शन मिल गई पकोड़िया का भगा बना अपने वही फरो में दूर कोई पाव जाते हैं पिलाए पी जाए। अब पकोड़िया के लाचला रोज बुढ़िया ला कर जाने लापता लेके बुढ़िया बोल फतिया के पिलाए पिया पिया पछली आप आई हो आगे मार को करना ना से फाड़ दे। देखिए बिलाई जातिया कोशिश न होना का बजे तो रोज अब दस पिता जी एको पछाना का दिन जातिया बिलाई दूध का छोरा बेखा दी पक्षी के फोन बिनार सुन लगा की बिलाई बोल दिया बिलाई क्या कर दिया भाषा समझी बिलाई कह दिया बिलरिया कह दिया कि मैं आऊ तो बिलरा कहता है अब तो तक सीधे कुकु पहुंचता बिलाई के देखे भी हम बजा लागे अजान है कि बिलाई के जब दूध लेके चला दिया बड़ी बिलाई पियावे खाती कुकु बिलाई में छोड़ झटूल जाता तरह तरह की छुट्टियां पेश करते हैं के बका की भैया का नमा भैया के अच्छा रखाओ जी गाय बनी सॉरी दिशा किलो दौरी पापड़ की सॉरी भैया तब से बहुत और एक पुरस्कार मिला पुरस्कार ना बल गया सरकार का का बा कि देश बाबा नेता सिर अब बाप तबाबा बेटा से मत कहीं कुछ करे कि छोटी छूटा चारी की हम हूँ चारी रहो चारी चारी की आजादी बा आउन कर शरण ना लौटी की जिंदगी देह पर खादी बा खादी और खाकी सुधर जाए तो पूरा ये हमारा ही हिंदुस्तान सुधर जाएगा। आजकल के नेताजी के लोग माहौल चल रहा है इलेक्शन का अच्छा के बाद में अपना प्रोग्राम को पेश करेंगे इस कॉमी का चुटकीला का फरमाइश है बड़े भैया आप सब पेश करें मास्टर के लिए जो आपके बीच संगीत गीत बोल करके आने वाले हैं धन्यवाद बीच में ये कॉमी को हम प्रस्तुत करते हैं।